I'll discuss the address translation from logical address to physical address in non-contiguous memory allocation, that is also known as the paging. For understanding the concept of paging, firstly we have to understand the what is page, what is frame. Actually, paging is just non-contiguous memory allocation. I have already discussed about the contiguous memory allocation, and in this paging scheme we are discussing that non-contiguous memory allocation. Actually, secondary memory ko equal sizes mein divide kar lete hain, jisko hum bolte hain page. Obviously, agar hume non-contiguous fashion mein kaam karna hai, to hume kuch na kuch ek size lena padega, jisko hum exactly ek main memory mein store kar sake. Fine. Same, just like jaise secondary memory ko humne equal size mein, ek fixed size mein, in fact fixed size mein divide kar liya, same aise hi main memory ko bhi hum fixed size mein divide kar lete hain, jisko hum bolte hain frame. To jo ek frame hai aur jo ek page hai, iska size equal hai, kyunki agar hum ye size unequal le lenge, maan lijiye page aur frame alag alag hain, aur hum bol rahe hain ki secondary is paging scheme mein hum jab ek process ke kuch parts ko store karenge, to fir wahi problem aa jayegi jisko hum bol rahe hain external fragmentation. Kyunki hamara motive kya tha non-contiguous, ki external fragmentation ki problem na aaye. To definitely iske liye hame ek page aur ek frame ka jo size hai wo equal hi hona chahiye. Jaise ki hum dekh rahe hain ki page ka size agar 1 KB hai, to ek frame ka size bhi 1 KB hi hai. Aur definitely agar ek page aur ek frame ka size equal hoga, tabhi aap isko easily manage kar sakte ho. मान लीजिए कि एक प्रोसेस x है जिसको जिसमें 4 पेजेस हैं, राइट. एक प्रोसेस x को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इन पार्ट्स को इक्वल साइज, जो हमारा पेज है, तो हमने इसको नाम दे दिया पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4. अब इन पेजेस को हम नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर में मेन मेमोरी में सेव कर सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी. मीन्स जरूरी नहीं है कि आपको इनको पहले पेज 1 ही आए, फिर पेज 2 ही आए. ये डिपेंड करता है कि पहले मेमोरी कौन सी फ्री अवेलेबल है, हम उसमें स्टोर कर देते हैं इन नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ देख रहे हैं जो रेड वाला स्पेस है वो मान लीजिए ऑक्यूपाई है, और जिसके ऊपर फ्रेम लिखा हुआ है मान लो वो भी ऑक्यूपाई था पहले, अब फ्री हुआ है. अब राइट, और हमने कुछ इस तरह से स्टोर किया कि पहले मान लीजिए जिस पर फ्रेम 1 रखा हुआ है पहले वो फ्री था, फिर 2 वाला फ्री, उस टाइम 2 और 3 वाले स्पेस बिजी थे, बाद में वो स्पेस फ्री हो गए. तो अगर हम देखें कि हमने इस तरह से सेव कर दिया है, राइट, ये एक नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर में सेव कर दिया है. जरूरी नहीं है कि आपने पूरे प्रोसेस को एक साथ रखा, राइट. हमने नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की तरह मेन मेमोरी में एक प्रोसेस के इन 4 पेजेस को इन 4 फ्रेम में सेव कर दिया है. तो जो अब प्रॉब्लम आती है, अब आती है फाइंड करने की, क्योंकि जो सीपीयू जनरेट करेगा एड्रेस वो सेकेंडरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में जनरेट करेगा, राइट. और हमारा डाटा बड़ा हुआ है मेन मेमोरी पे, तो सीपीयू को यहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी. यस, अब यहाँ देखते हैं, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पी स्टैंड फॉर पेज एंड डी इज द ऑफसेट. पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसको डिवाइड क्यों किया है, राइट. आप एक सिंपल सा एग्जांपल की तरह सोच सकते हैं. मान लीजिए एक सोसाइटी में 1000 हाउस है, राइट. और आपको इसमें से 1000 हाउस में से आपको सपोज 902 हाउस है उस पर आपको जाना है. तो एक तो ये मैनर है कि आप सिक्वेंशली 1, 2, 3 और आप 902 हाउस पर पहुंच जाएं. एक ये भी तरीका था कि ये जो 1000 हाउसेज सोसाइटी में है, हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं. मान लो हमने इसको 10 ब्लॉक्स में डिवाइड किया और हर ब्लॉक में 100 हाउसेज हैं, तो भी 1000 ही हाउसेज हैं, एड्रेस भी 904 ही आएगा. लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, हमने इसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया. अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप 9th ब्लॉक के 4th हाउस में चले जाइए, तो डेफिनेटली ये ईजी होगा 904 हाउस को ढूंढना या 9th ब्लॉक में 4th हाउस को ढूंढना, राइट. इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. सपोज मैं आपको बोलती हूँ, आपके पास एक बुक है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस बुक की 15000 जो लाइन है, मतलब जो 15000वें नंबर की जो लाइन है, आप उस पर जाइए. तो आपको क्या करना है, 1 by 1 सिक्वेंशली आप हर पेज की लाइन को काउंट करेंगे. या मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आप पेज नंबर 62 की 10th लाइन पर चले जाओ,
डेफिनेटली वो सेम लाइन भी है अगर, दैट विल बी मोर इजी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, कि आप लाइन नंबर ढूंढ रहे हो. तो सेम हमने यहाँ पे भी जो लॉजिकल एड्रेस को जो डिवाइड करने का मोटिव था वो यही था कि हमें वन बाय वन पूरे पे ना जाना पड़े, राइट. हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेज हमने 254th पूरा लॉजिकल कम्प्लीट एड्रेस ना होके इसको हमने डिवाइड कर दिया. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा है मैंने 254, इसका मतलब यह है कि पेज टू की 54th लोकेशन को आपको एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पेज में नंबर ऑफ लोकेशंस है, ठीक है. सपोज एक पेज वन में आपके पास मान लीजिए 100 इंस्ट्रक्शंस हैं या 100 लोकेशंस हैं, राइट. तो सेम ऐसे ही फ्रेम में भी उतनी ही लोकेशंस होंगी, इसीलिए मैंने बोला है कि पेज और फ्रेम का साइज इक्वल है, ताकि जो मैनेज कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU जो ये मैनेज कर रहा है पेज को फ्रेम में लाने का और फिर एड्रेस कैलकुलेट करने का, वो ईजी हो जाए, ठीक है. तुम यहाँ पर थे पेज टू के 54th ऑफसेट पर जाना है. 54th ऑफसेट का यहाँ पर मतलब है लोकेशन, ठीक है. एक पेज में नंबर ऑफ लोकेशंस हैं, राइट, और आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना है. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, फॉर द इजीनेस, कि हमारी जो सर्चिंग है एक्सेस है वो ईजी हो जाए. अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज, हमें मान लीजिए इस एग्जाम्पल में जाना है पेज टू के 54th लोकेशन पे, तो पेज टू स्टोर हो रखा है इस लोकेशन पे, यहाँ पे मेन मेमोरी में फ्रेम टू जहाँ पर लिखा हुआ है. और अगर पेज टू की 54th लोकेशन है तो यहाँ पे फ्रेम टू की भी 54th लोकेशन ही होगी, क्योंकि पेज और फ्रेम का साइज इक्वल है, वो चेंज नहीं होगा. अगर कोई चीज़ अपने ब्लॉक में 10th नंबर पे है, उस एज इट इज़ ब्लॉक को मैंने कहीं और स्टोर कर दिया, तो वो भी अभी भी 10th नंबर पर ही रहेगी वो चीज़, फाइन. अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर में है हम फ्रेम वन का एड्रेस कहीं स्टोर रखें, क्लियर, और फ्रेम वन के लास्ट पोजिशन पे फ्रेम टू का एड्रेस आ जाए, फ्रेम टू की लास्ट पोजिशन पर फ्रेम थ्री का एड्रेस आ जाए, सेम ऐसे ही फ्रेम थ्री की लास्ट पोजिशन पे फ्रेम फोर का एड्रेस आ जाए, और हम फ्रेम वन का एड्रेस कहीं स्टोर कर लेते हैं. तो एक तो मेथड ये है, तो पहले हम फ्रेम वन से फ्रेम टू पर पहुंच जाएंगे, फ्रेम टू से फ्रेम थ्री पर, फ्रेम थ्री से फ्रेम फोर पर आ जाएंगे, जो भी हमें पेज एक्सेस करना होगा उसके रिस्पेक्ट में हम उस फ्रेम को एक्सेस कर लेंगे. बट सोचो जैसे कि हम लिंक लिस्ट में करते हैं, हमें मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको लास्ट पेज की किसी डाटा को एक्सेस करना है, तो फिर तो हम शुरू से लेकर एंड तक इसी कोई मतलब उसको एड्रेस ही सर्च करते रहेंगे, तो डेफिनेटली इट विल, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है पेजिंग स्कीम के लिए. तो नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं. नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा पेज टेबल, दैट्स एक्चुअली नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग. हम इसमें क्या करते हैं, हम एक पेज टेबल बनाते हैं, राइट. ये पेज टेबल क्या है, पेज टेबल एक सिंपली डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेन मेमोरी में ही सेव रहता है, ठीक है. पेज टेबल में हम जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, राइट, पेज टेबल हर एक प्रोसेस के लिए एक इंडिपेंडेंट पेज टेबल होगी, क्लियर. अगर ये जो मैं यहाँ पर पेज टेबल आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेस एक्स के लिए है, क्लियर. इस प्रोसेस एक्स के लिए एक पर्टिकुलर पेज टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि जितने पेजेस होंगे पेज टेबल में उतने ही आप पेजेस रखेंगे, और उसका रखेंगे हम फ्रेम नंबर. एक्चुअली यहाँ पे बोलते हैं कि P1 इज इक्वल टू फ्रेम 1, P2 इज इक्वल टू फ्रेम 2. एक्चुअल में हम ये फ्रेम नंबर बोल रहे हैं यहाँ पर ये एग्जैक्टली स्टोर होता है उस पर्टिकुलर फ्रेम का बेस एड्रेस इन ए मेन मेमरी. अगर मैं एग्जाम्पल के लिए देखती हूँ, सपोज जो ये P1 है, पेज वन स्टोर हुआ मेन मेमोरी में, फ्रेम वन में. मान लीजिए फ्रेम वन का जो बेस एड्रेस है मेन मेमोरी में वो 2000 है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल एफ लिखा है यहाँ पर आ जाएगा 2000, क्लियर. सेम ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, ये पेज टू है, पेज टू स्टोर है फ्रेम टू में मेन मेमोरी में, और मान लीजिए फ्रेम टू का बेस एड्रेस है 1500, राइट. तो यहाँ पर P2 जो पेज टेबल है उसके सामने आ जाएगा 1500. सेम ऐसे ही मैं देख रही हूँ, जैसे पेज थ्री है, पेज थ्री स्टोर है फ्रेम थ्री पर, मान लीजिए फ्रेम थ्री का मेन मेमोरी में बेस एड्रेस 1000 है, तो पेज टेबल में P3 के सामने आ जाएगा 1000 उसका बेस एड्रेस. तो हम सिंपली क्या करेंगे, लॉजिकल एड्रेस में जो P है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम, उसका फ्रेम का बेस एड्रेस हम रख लेंगे, और जो D है ऑफसेट, ऑफसेट इज द पोजिशन, राइट. उस पेज में पर्टिकुलर पोजीशन जितनी है वो सेम ही रहेगी, इसीलिए फिजिकल एड्रेस में ये डी ही सेम ही आया है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था 254,
तो पेज नंबर टू की 54th लाइन, 54th इंस्ट्रक्शन, तो अब क्या हो जाएगा, पेज नंबर टू स्टोर है 1500 लोकेशन पे, मतलब फ्रेम है, तो हम ये कहेंगे फ्रेम टू की 54th इंस्ट्रक्शन, तो वो सेम ही होगी जो पेज टू की 54th होगी, वही फ्रेम टू की 54th होगी, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज और फ्रेम का साइज सेम है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो सिंपली हमने कर लिया, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस एक विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल. और ये पेज टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है. पेज टेबल का जो एड्रेस है वो होता है PTBR के पास, पेज टेबल बेस रजिस्टर. दिस इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर जिसका जो एड्रेस है वो PTR के पास रहेगा. यानी कि अगर मुझे कुछ एक्सेस करना है तो पहले मैं PTBR की हेल्प से उस पेज टेबल को एक्सेस कर लेंगे, उससे फ्रेम का फ्रेम नंबर फाइंड कर लेंगे, मीन्स द बेस एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेम, और ऑफसेट तो सेम ही रहेगा. क्लियर? हम यहाँ देख रहे हैं 354, मतलब कि CPU को एक्सेस करना है पेज 3 की 54th लोकेशन. तो पेज 3 स्टोर हुआ हो रखा है फ्रेम 3 में, जिसका बेस एड्रेस मान लीजिए 1000 है. तो यहाँ पर जो हमारी पेज टेबल है उसमें पेज 3 के सामने आ जाएगा 1000, क्योंकि वो स्टोर कर लेगा. जैसे जैसे पेज फ्रेम में स्टोर करेंगे, पेज टेबल में एंट्री होती जाएंगी और वो 1000, और ऑफसेट की वैल्यू 54 है तो 54 ही रहेगी. तो सेम इंस्ट्रक्शंस जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी. क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग. अब इसमें एडवांटेज क्या है? सिंपली फर्स्ट एडवांटेज तो वही है जिसके लिए हमने नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को यूज किया था. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, राइट? क्योंकि हमारे पास स्पेस था फिर भी हम अपने प्रोसेस को उसमें स्टोर नहीं कर पा रहे थे. बट यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं, क्योंकि पेज और फ्रेम का साइज इक्वल है. अब जैसे जैसे, अगर मान लीजिए मेन मेमोरी में एक स्पेस फ्री हुआ, एक पेज स्टोर हो गया, फिर कुछ फ्रेम्स ने अपना काम वर्क कंप्लीट किया, वो हमने बाहर निकाल दिए, तो उसमें से वापस से डिफरेंट पेजेस स्टोर हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. दिस इज द मेन एडवांटेज, राइट? और डेफिनेटली पेजिंग से हमारा एक्सेस टाइम तो बच ही रहा है. सेकेंडरी मेमोरी जितनी लार्ज होगी उसका एक्सेस टाइम उसमें उतना ही ज़्यादा लगेगा सर्च करने में. मेन मेमोरी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी बहुत छोटी है और इसको आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, और आपने पेज टेबल की हेल्प से उसको और जल्दी एक्सेस कर लिया. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसको आप यहाँ पर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखो. हमने बोला है कि हमने पेज टेबल को मेन मेमोरी में एक्सेस किया, मेन मेमोरी में रखा है, दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर, राइट? दैट मीन्स आपको अगर एक एड्रेस को, एक लोकेशन, एक इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना है तो पहले हम मेन मेमोरी में जाते हैं पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए, क्लियर? और फिर वहां से जब हमें एफ मिल जाता है, बेस एड्रेस ऑफ फ्रेम मिल जाता है, फिर हम दोबारा से फ्रेम में जाते हैं ऑफ विद द हेल्प विद दिस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस ऑफसेट के साथ, और फिर हम उस इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करते हैं. दोबारा समझिएगा, जैसे कि 354 का एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले तो मैंने ये देखा, मेन मेमोरी को एक्सेस किया कि जो पेज 3 था वो कौन से फ्रेम में है. हमने पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ा, तो एक बार आपने मेन मेमोरी को एक्सेस किया पेज टेबल के डाटा के लिए, एंड द सेकेंड टाइम यू विल एक्सेस द मेन मेमोरी जब आपके पास ये थर्ड फ्रेम का बेस एड्रेस आ गया, डी ऑफसेट आ गया, फिर आप उसको मेन मेमोरी को दोबारा एक्सेस करते हो इंस्ट्रक्शंस के लिए. यहाँ पे जो डबल टाइम जा रहा है ये यहाँ पर वेस्टेज है, जिसको हम TLB की हेल्प से दूर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन लुक असाइड बफर. ये प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे हमारी जो ये वाली प्रॉब्लम थी ना कि दो बार एक्सेस करना पड़ा था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.